हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माधुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा 7 ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स, जो भी हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो उनके अंदर स्टोर होने वाले जितने भी हमारे डेटा हैं, तो उन डेटा को स्टोर करता है हमारा डेटा टाइप। और डेटा टाइप हमें ये भी बताता है कि जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं और जो भी हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है, तो उसके अंदर किस तरीके की वैल्यूज़ स्टोर होंगी और किस तरीके का डेटा स्टोर होगा। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमारे बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। और जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए और उस वेरिएबल का, उस बनाए गए वेरिएबल के डेटा को यूज़ करने के लिए किसी प्रोग्राम में। अब जो हमारा साइज़ ऑफ वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट और एरे का जो भी हमारा साइज़ है, वो डिटरमाइन करेगा हमारा डेटा टाइप। जिस टाइप का आपने डेटा टाइप बनाया है, जिस टाइप का आपने डेटा टाइप क्रिएट किए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी है साइज़ ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और एरे, तो कॉन्स्टेंट एरे और वेरिएबल के जो भी साइज़ है, वो आपका डिटरमाइन करेगा डेटा टाइप्स। अब बात करेंगे कि हमारे पास सी लैंग्वेज में कितने तरीके के डेटा टाइप्स हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में 4 तरीके के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक डेटा टाइप्स, जिसके अंडर आते हैं हमारे इंट, केयर, फ्लोट, डबल। उसके बाद हमारा इनुमरेशन डेटा टाइप, जिसमें हमारे डेटा टाइप्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली एनम। उसके बाद हमारे डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में हमारे पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन डेटा टाइप्स आते हैं। फिर आता है हमारा वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप में भी हमारा सिंगल डेटा टाइप है, वो है हमारा वॉइड। अब हम बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप की। तो जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, वो स्टोर करता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। और जो हमारा इंट कीवर्ड है, वो रेफर किया जाता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। जो स्टोरेज साइज है हमारी इंट डेटा टाइप का, वो है हमारी 248। अब आप सोचेंगे कि जो भी स्टोरेज साइज़ हमारी इंट डेटा टाइप की, वो 248 अलग अलग कैसे है। तो वो जो भी हमारी सीपीयू का प्रोसेसर है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जो भी आपका इंट डेटा टाइप का स्टोरेज साइज़ क्या होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी 16 बिट के प्रोसेसर है, उसमें अगर आप इंट डेटा टाइप का स्टोरेज फाइंड करेंगे, तो वो आपको मिलेगा 2 बाइट। उसके बाद जो आपके दूसरे प्रोसेसर्स हैं, दूसरे ऑपरेटिंग, मतलब दूसरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के जो आपके प्रोसेसर्स हैं, जैसे कि 32 बिट वाले, तो 32 बिट प्रोसेसर के लिए अगर आप फाइंड करना चाहेंगे इंट डेटा टाइप की स्टोरेज साइज़, तो आपको 4 बाइट दिखाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप इंट डेटा टाइप की स्टोरेज साइज़ फाइंड करेंगे 8 बाइट के प्रोसेसर में, तो वो आपको 64 बिट के प्रोसेसर में आप जानना चाहेंगे, तो आपको 8 बाइट स्टोरेज साइज़ दिखाएगा हमारे इंट डेटा टाइप का। और इसी के साथ साथ स्टोरेज साइज़ डिफरेंट भी हो जाते हैं, अगर जो आपके जो भी IDE एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपके जो स्टोरेज साइज़ है इन डेटा टाइप के या किसी भी दूसरे डेटा टाइप के, तो उनकी स्टोरेज बदलती रहती है। जैसे कि 64 बिट के प्रोसेसर में अगर आप IDE एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोड ब्लॉक्स, तो उसमें जो आपका इन डेटा टाइप का जो स्टोरेज साइज़ है, वो आपको मिलेगा 4 बाइट। तो इस तरीके से जो भी हमारे IDE एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, और आपका जो डिफरेंट टाइप्स के जो भी आप जिस प्रोसेसर पे आप काम कर रहे हैं, जिस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी डेटा टाइप का स्टोरेज है, वो डिफाइन होगा। और जो हमारा इन डेटा टाइप है, उसका जो स्टोरेज साइज अगर आपका 2 बाइट है, तो वो स्टोर कर सकता है वैल्यूज़ -32,768 से लेकर +32,767 तक। और 4 बाइट वाला स्टोरेज साइज हमारा इन डेटा टाइप का स्टोर कर सकता है इतनी वैल्यू -21474834648 से लेकर +21474834647। तो इस तरीके से अगर आपको इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कराना है इन डेटा टाइप के अंदर, तो आप उन लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए, जो भी हमारी यहाँ वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को क्रॉस करने के लिए आप लॉन्ग इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग इंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप हायर वैल्यूज़ को भी स्टोर करा सके अपने डेटा टाइप में, इन डेटा टाइप में। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करा सकते अपने इंट डेटा टाइप में। अगर हमें इंट डेटा टाइप के अंदर डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराना है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है फ्लोट डेटा टाइप की, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे करेक्टर डेटा टाइप की। तो करेक्टर डेटा टाइप हमें अलाउ करता है कि जो भी हमने वेरिएबल बनाया है करेक्टर डेटा टाइप का, तो उसमें हम एक सिंगल करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और जो भी आपने सिंगल करेक्टर स्टोर किया है, वो मस्ट है कि उसे सिंगल कोट्स में आप स्टोर करें। अगर आप सिंगल कोट्स लगा के उसे स्टोर नहीं करेंगे, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है करेक्टर डेटा टाइप का, तो वो उस वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। और जो स्टोरेज साइज हमारी करेक्टर डेटा टाइप की, वो है 1 बाइट। और फिर जो हमारा
कैर, कैर कीवर्ड जो है हमारा वो रेफर करता है हमारे करेक्टर डेटा टाइप को। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिंगल कोट्स में हमने ए लिखा है, तो सिंगल कोट्स में जो ए है हमारा वो स्टोर किया जा सकता है सिंगल करेक्टर सिर्फ हमारे करेक्टर डेटा टाइप में, और हम एक से ज़्यादा करेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते अपने करेक्टर डेटा टाइप में। अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में हमारे दो टाइप्स के फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप आते हैं, पहला है हमारा फ्लोट, दूसरा हमारा डबल। तो जो हमारा फ्लोट है, फ्लोट डेटा टाइप हमें अलाउ करता है कि जो भी हमने वेरिएबल बनाया है फ्लोट डेटा टाइप का, तो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं डेसिमल वैल्यूज को। और जो स्टोरेज साइज है हमारी फ्लोट डेटा टाइप का वो है हमारा 4 byte, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको शो करेगा, मतलब डिफरेंट स्टोरेज साइजेस आपको शो करेगा डिफरेंट काइंड के प्रोसेसर्स में, डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर में, डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में, और डिफरेंट टाइप्स के आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि जो भी आपकी स्टोरेज साइज है तो वो क्या होनी चाहिए आपकी फ्लोट डेटा टाइप की। तो उसे आप फाइंड करने जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर पे, डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे, और डिफरेंट टाइप्स के आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे, तो आपको अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगी, अलग अलग स्टोरेज साइज देखने को मिलेंगी अपनी फ्लोट डेटा टाइप की। और जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है वो 6 digits डेसिमल पॉइंट तक स्टोर कर सकता है वैल्यूज को। जैसे कि एग्जांपल के ये देखिए 10.456789, ये 6 digits तक स्टोर कर सकता है इजिली जो भी आपने वेरिएबल बनाया है फ्लोट डेटा टाइप का, तो उस वेरिएबल के अंदर आप 6 decimal digits तक ईजिली अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डबल की। तो जो डबल डेटा टाइप है वो बिल्कुल सेम टू सेम फ्लोट के जैसा है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें हमारे फ्लोट डेटा टाइप में हम सिर्फ जो भी हमने वेरिएबल बनाया है फ्लोट डेटा टाइप का, उसमें सिर्फ हम 6 decimal digits तक की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डबल में हम 10 decimal digits तक की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं। और जो रेंज है हमारी डबल डेटा टाइप की वो है हमारी 1e-37 से लेकर 1e+37 तक। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी स्टोरेज साइज फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप की, तो उस स्टोरेज को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है साइज ऑफ फंक्शन, जिसके थ्रू हम मेमोरी स्पेस या स्टोरेज साइज फाइंड कर सकते हैं किसी भी सी लैंग्वेज की डेटा टाइप का। जैसे कि अगर हमें करेक्टर डेटा टाइप का स्टोरेज फाइंड करना तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, किसी दूसरे डेटा टाइप का स्टोरेज साइज फाइंड करना है या मेमोरी स्पेस फाइंड करना, तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडिफायर्स इन सी लैंग्वेज। तो मॉडिफायर्स क्या करते हैं, जैसे कि हमें जो हमें डेटा स्टोर कराना है अपने, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बना लिया इंट डेटा टाइप का, तो उसके अंदर हमें एक वैल्यू स्टोर करानी है, लेकिन जो वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमने वेरिएबल बनाया है हमारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और हमारे प्रोसेसर और आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप हमने बनाया इंट डेटा टाइप, और उसमें जो वेरिएबल बनाया वो सिर्फ 2 byte तक की ही जो भी डेटा है वो स्टोर कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा डेटा और स्टोर कराएं, तो उसके लिए हमारे मॉडिफायर्स इस्तेमाल में आते हैं कि ये क्या करते हैं, मेमोरी स्पेस बढ़ा देते हैं, द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस और जो भी हमारा स्टोरेज साइज है वो बढ़ा देते हैं हमारे वेरिएबल्स की, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हमारे मॉडिफायर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने जो भी डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज की उनकी स्टोरेज को बढ़ा देते हैं, ताकि हम जो हमारी जो हाई रेंजेस हैं और जो भी ज़्यादा रेंज है, तो उन रेंज की बड़ी रेंज की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकें अपने बनाए गए जो भी सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स हैं उनमें। तो इस तरीके से देखिए, एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने एक इंट डेटा टाइप बनाया और उसका साइज़ है 4 byte 32 bit के प्रोसेसर के, लेकिन हम उसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए हमने जो भी हमारा सिंपल इंट था उसे हमने बदल दिया लॉन्ग इंट से। तो लॉन्ग इंट से बदलते ही जो हमारी स्टोरेज साइज हो गई इंट डेटा टाइप की वो हो गई हमारी 8 byte, जिस और अगर हम उस जो भी हमने 4 byte का जो भी हमारा इंट डेटा टाइप का स्टोरेज साइज था या मेमोरी स्पेस था उसका अगर हमें साइज कम करना है, ताकि हम चाहते कि जो हमारी फाइल बनी है उसका जो भी डेटा है या जो भी साइज़ है हमारी फाइल की वो कम हो, तो हम अपने डेटा टाइप का स्टोरेज कम कर देंगे, जिसके थ्रू जो हमारी फाइल की साइज़ है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें कम करना है अपने इंट डेटा टाइप का स्टोरेज साइज़, तो उसके लिए हम शॉर्ट इंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू जो हमारा 4 byte का पहले इंट डेटा टाइप का स्टोरेज साइज़ था वो बदल जाएगा 2 byte के स्टोरेज साइज़ से। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डेटा टाइप के स्टोरेज साइज़ को। तो हमारे पास 5 modifiers अवेलेबल है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो है हमारे शॉर्ट लॉन्ग साइंड अनसाइंड और लॉन्ग। तो अब हम अपने टेबल को देखेंगे जिसमें हमने स्टोरेज साइज को डिफाइन कर रखा है,
और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी हमारा स्टोरेज साइज़ है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट बिट के प्रोसेसर्स पे और डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। साथ ही साथ आप किस तरीके का कौन से टाइप का आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरेज साइज़ क्या होगी। किसी भी जो भी आपने डेटा जो भी डेटा टाइप बनाया है जिस भी तरीके का डेटा टाइप बनाया है तो उसकी जो भी स्टोरेज साइज़ है और जो भी मेमोरी स्पेस है वो डिपेंड करेगी आपके प्रोसेसर पे या फिर आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे या फिर आपके जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं और उनके स्टोरेज साइज़ लिखे हुए हैं। तो देखिए करेक्टर हमारा डेटा टाइप है सी लैंग्वेज का और उसकी स्टोरेज साइज लिखी हुई है 1 और उसकी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है -127 to 127। इस तरीके से यहाँ पे इंट फ्लोट डबल लॉन्ग इंट शॉर्ट इंट अनसाइंड शॉर्ट इंट साइंड शॉर्ट इंट लॉन्ग इंट साइंड लॉन्ग इंट अनसाइंड लॉन्ग इंट अनसाइंड लॉन्ग इंट तो इनके इन डेटा टाइप्स के यहाँ पे स्टोरेज साइज लिखे हुए हैं और इनके यहाँ पे रेंज लिखी हुई है। इस तरीके से अगर आप अपने इन डेटा टाइप का स्टोरेज साइज भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे उनकी रेंज भी बढ़ेगी। अब बात करेंगे इन्यूमिनेशन डेटा टाइप की। तो जो हमारा इन्यूमिनेशन डेटा टाइप है वो कंसिस्ट करता है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को एज अ लिस्ट और जो भी आपकी लिस्ट है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में आपकी जो भी लिस्ट है जो कंटेन कर रहा है हमारा इन्यूमिनेशन डेटा टाइप तो उसमें जो पहली पोजीशन होगी पहली लिस्ट की तो वो 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट और वो इंक्रीमेंट होती है बाय 1। तो जो दूसरी पोजीशन होगी वो 1 को मतलब 1 से रिप्रेजेंट होगी और तीसरी पोजीशन 2 से रिप्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है पोजीशंस की जो हमारी लिस्ट है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की जो कंटेन कर रहा है हमारा इन्यूमिनेशन डेटा टाइप। और जो हमारा सिंटैक्स है जो हमारा सिंटेक्स है इनम डेटा टाइप का वो है हमारा इनम आइडेंटिफायर और इन्यूमिनेटर लिस्ट। उसके बाद हम इन्यूमिनेटर लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जो इन्यूमिनेटर लिस्ट को आप यहाँ पे डिफाइन करें तो इन्यूमिनेटर लिस्ट आपकी पहली लिस्ट जो भी आपका पहला पोजीशन है पहली पोजीशन में जो भी आपका कंटेंट है लिस्ट का उसे आप लिखेंगे फिर कॉमा से आप उसे सेपरेट करेंगे कॉमा से सेपरेट करके आप दूसरी जो भी आपका दूसरा कंपोनेंट है लिस्ट का उसे आप लिखेंगे। इस तरीके से आप जहां तक अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं लिस्ट के कंपोनेंट्स को ऐड करना चाहते हैं वो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिराइव डेटा टाइप की इन सी लैंग्वेज। तो हमारे पास कुछ डिराइव डेटा टाइप्स हैं यहां पे अवेलेबल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो है हमारे एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो इन सारे डेटा टाइप्स को एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन इन्हीं को हम कहते हैं डिराइव डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज जिसे हम आगे अपनी आने वाली वीडियोस पे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे void data type in C language। तो हमारा जो void data type है वो एक empty data type है जिसमें कोई भी value store नहीं होती इसलिए इसकी वजह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने functions में और pointers में। So guys हमारी वीडियो यहीं पे over होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे thumbs like कीजिए अगर आपको वीडियो हमारी नहीं पसंद आई तो dislike बटन को हिट कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइज अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो देन बाय गाइज़।